हेलो हेलो नेहा, मम्मी से सुनो। हाँ, तुम्हें पता ना ऑफिस से मैटर क्या हुआ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा पता है, मेरी मम्मी से बात करवाना। अच्छा, हेलो हेलो आंटी, कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? देखने का फोन में किसका ये फोन, देखो रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है मेरा ये जिसे बात कर। हेलो हेलो, हाँ राघव की मम्मी बोल रहे ना? अरे नहीं नहीं, राघव की मम्मी से बात करवाओ मेरी आंटी। लो, इसमें रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रही है, ठीक है? नहीं चल रही ना, बात करवाओ मेरी। अब हेलो हेलो, हाँ आंटी सुनो, तो जो हमारे सर थे ना, मेरा सर जी, वो ना शायद अभी किसी केस के मैटर में ना, मतलब उन्हें मतलब थोड़ा कार्रवाई के लिए उनको कर रखा है, ठीक है? तो राव्य सर के असिस्टेंट है मतलब, तो अब ये नहीं पता कि अभी अभी शायद उनको शायद पूछताछ के राव्य को लेके गए हैं, क्या करने के लिए लेके गए हैं ये नहीं पता। अच्छा। शायद जहाँ तक 50% चांस है कि उसे वहीं लेके गए हुए हैं पूछने के लिए, क्योंकि शाम के 5 बजे तक तो ये था कि वो डिस्ट्रिक्ट में आराम से बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। शाम को ही लेके गए होंगे, पूछताछ के लिए लेके गए होंगे, फोन बंद करवा लिया होगा ताकि वो सेफ ही हो गया। आंटी जहाँ पे हो गया, मैं क्या बोलूँ, मैं पता नहीं कहाँ। तो मतलब मेरा सर के साथ में ही है फिर? मेरा सर के साथ में नहीं है, सर के रिगार्डिंग पूछताछ उसको लेके गए होंगे। कौन से सर के? अरे मेरा सर के रिगार्डिंग ही मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप उनका नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए फिर। मेरा सर का नंबर? हाँ जी, मेरा सर का नंबर भी तो फोन उनने ट्रेस कर रखा है ना पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस वालों के पास उनका नंबर? हाँ, इसीलिए राजिया को लेके गए फिर वो। मेरा सर? मेरा सर नहीं लेके गए, कैसे बताऊँ मैं आपको। मतलब ये पूछताछ के लिए कहाँ पे लेके गए हैं ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ पे लेके गए हैं वो। तो आपको बताया था राबिया ने? ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में बस फैली हुई है बात, सभी ये बात कर रहे हैं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रही। अच्छा, पर्सन बात चल रही है उन लड़कियों से जो साथ में है। हेलो 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 आंटी, हाँ जी, निजाम से बात हुई आपकी? नहीं, फोन स्विच ऑफ है। निजाम का भी बंद है नंबर? निजाम से वो निजाम के साथ तो नहीं है शायद, स्विच ऑफ आ रही है बाबू उनका भी नंबर। घर में मतलब उनके घर में किसी का नंबर हो? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है बाबू। आपके पास नहीं है? नहीं, आपके पास है? निजाम का नंबर तो मेरे पास नहीं है। तो उनके किसी का है तो बताओ फिर, मुझे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। आंटी मेरे पास भी नहीं है ना नंबर, तभी तो मैं कह रही हूँ। तो मतलब ये लोग साथ में थे क्या? साथ में नहीं, मैं बस गेस कर रही हूँ, शायद साथ में हो। अब क्या है मुझे खुद भी नहीं पता आंटी, मैं क्या बोलूँ। और किसी फ्रेंड के यहाँ पे तो वो जाती भी नहीं है ज्यादा, ये भी आपको पता ही होगा। फ्रेंड के घर तो इतनी नहीं जाती है, मगर वही तो है कि लड़कियां मैं टाइम पे आ जाती थी, आज टाइम पे नहीं आई है बाबू। थोड़ा बहुत पता हो तो तुम बताओ, हमें बहुत टेंशन हो रही है। मुझे खुद भी, अरे आंटी मैं खुद भी बहुत परेशान हो रही हूँ, क्या बोलूँ मैं। शाम को परेशान तो थी वो लड़की। कौन परेशान थी? राबिया हमारी। हाँ परेशान थी वो थोड़ी सी। तो बताया नहीं था कि किस बात को लेकर परेशान थी?
नहीं आंटी, इतनी बात ही नहीं हो पाई ना मेरे यहाँ, क्योंकि मैं दूसरी तरह मैं फील्ड में थी, वो ऑफिस में थी, तो उतनी बात हो नहीं पाई मेरी से। आप एक काम को आंटी, परेशान हो तो आप। अरे बेटा परेशान की तो बात है बाबू, परेशान तो आप में आऊँ मैं आज कहाँ पर आप यहाँ क्या पर हूँ। हाँ बेटा नेहा चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।